नमस्कार, यह है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। मुजफ्फरनगर में इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरसे से कहा, योगी सरकार ने गुंडों का आतंक खत्म करके निर्दोष लोगों का पलायन रोका। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन में दल मिल रहे हैं पर दिल नहीं। लोकसभा चुनाव में हर बूथ पर बीजेपी को 370 से अधिक वोट मिलेंगे। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अब माफी अतीक अहमद के दोनों बेटे उमर और अली पर भी कसा शिकंजा, पुलिस ने केस में अतीक अहमद परिवार के 9 सदस्यों को बनाया आरोपी। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की सीबीआई जांच हो सकती है, बाराबंकी की कोर्ट ने बांदा जेल के अधिकारी को तलब किया है जो बताएंगे कि मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई। मुख्तार अंसारी मौत मामले की जांच शुरू, एडीएम राजेश कुमार ने जांच शुरू की। बांदा जेल में मुख्तार की मौत वाले दिन ड्यूटी पर तैनात स्टाफ के बयान दर्ज किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता, मध्य प्रदेश के राजीव नयन मिश्रा को नोएडा से यूपीएसटीएफ ने किया गिरफ्तार, राजीव पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा। झांसी में एक युवक ने प्यार में फंसाकर युवती से 52 लाख के जेवर हड़पे, ब्लैकमेलिंग से तंग आकर युवती ने की आत्महत्या, कॉल रिकॉर्डिंग और चैट से एक्सट्रॉशन का हुआ खुलासा। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने गाजीपुर में गौ हत्या को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा गौ हत्या होती रहेगी तो भगवान राम और कृष्ण के आने का क्या मतलब है। लोकसभा चुनाव को लेकर मेरठ हापुड़ सीट से सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान ने आज नामांकन किया, बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के सामने सपा ने सरधना विधायक अतुल प्रधान को उतारा। एक युवक दिल्ली से कानपुर तक ट्रेन की छत पर लेटकर आया, 130 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही हमसफर एक्सप्रेस की छत पर युवक के लेटे होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के एडेड और राजकीय कॉलेजों के टीचर्स का अब समायोजन होगा, नए सत्र के टीचर्स की कमी दूर होगी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने कॉलेजों से मांगी डिटेल्स। ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लॉगिन करें tvbharat.com।